वेलकम टू माय चैनल एजू टू लर्न विद मिस्टर पांडे। आज की इस वीडियो में हम लोग जावा व्हाइल लूप्स को पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में जावा फॉर लूप को देखा था, चलो हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा व्हाइल लूप। जावा व्हाइल लूप हमारा क्या होता है, पहले तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि जावा व्हाइल लूप हमारा होता क्या है। द जावा व्हाइल लूप इज यूज्ड टू आइटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम के आइटरेट्स को ये क्या करता है, एग्जीक्यूट कराता है। आइटरेट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम सर्वल टाइम, बहुत अलग अलग टाइम में ये एग्जीक्यूट कराता है। इफ द नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट फिक्स, जब नंबर ऑफ आइटरेशन हमारी फिक्स नहीं होती है। फॉर लूप में हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स होती थी, यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ आइटरेशन फिक्स नहीं होती है तब ये एग्जीक्यूट कराता है। हम लोग लिखते हैं सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का हमारा सिंटैक्स क्या होता है, फर्स्ट हम लोग व्हाइल कंडीशन लिखते हैं, वहाँ पर कंडीशन लगाते हैं। इसके बॉडी में हम लोग कंडीशन लगाते हैं, आफ्टर देन हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना होता है, प्रिंट कराना हो, उस कोड को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो कोड एग्जीक्यूट कराना हो उसको यहाँ पर राइट करते हैं, हम लोग ब्रेसेस को बंद कर लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्लो चार्ट ऑफ द व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट हमारा क्या होता है, फ्लो चार्ट देख लेते हैं हम लोग व्हाइल लूप हमारा कैसे काम करता है। फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगाई है हम लोगों ने यहाँ पर। इफ हमारी कंडीशन फॉल्स होती है देन हमारा क्या कर जाता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करता है, प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। अदरवाइज अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम क्या करता है, स्टेटमेंट जाता है, स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। ठीक है गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग अपनी आईडी में चलेंगे। फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन एक और बनता है, वाई बी यूज व्हाइल लूप। हम लोग व्हाइल लूप को क्यों यूज करते हैं, ये भी देख लेते हैं। व्हाई यूज व्हाइल लूप, व्हाइल लूप को यूज क्यों करते हैं। जावा व्हाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। जावा व्हाइल लूप हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है दैट अलाउ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। जो भी कोड को अलाउ करता है एग्जीक्यूटेड रिपीटली, बार बार रिपीट करने के लिए, बेस्ड ऑन अ गिवन बुलियन कंडीशन, दी हुई गिवन बुलियन कंडीशन के अकॉर्डिंग। कहे जब हम लोग अपने आई डी में चलते हैं और एक एग्जाम्पल करके देखते हैं व्हाइल लूप को हम लोग कैसे वर्क कराते हैं और कैसे यूज करते हैं। गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपने आई डी में आ चुके हैं और एक प्रोग्राम बनाया है, यहाँ पे व्हाइल लूप का एक प्रोग्राम बना रखा है। व्हाइल लूप का प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक लिया है इंटीजर आई इक्वल जीरो, इंटीजर आई हमने जीरो लिया है। व्हाइल हमने व्हाइल लूप लगाया है यहाँ पे आई लेस देन फाइव, आई जब तक हमारा फाइव से लेस देन रहेगा तब तक हमारा ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तब तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करेगा, और हम अगर एग्जीक्यूट करेगा तो हम क्या कराएंगे यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, तो आई को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, जब तक हमारा आई आइट्रेट करता रहेगा, ये कंडीशन चलती रहेगी जब तक आई हमारा फाइव से बड़ा रहेगा। ठीक है, फाइव से जब तक आई हमारी छोटी रहेगी तब तक लेस देन रहेगी, तब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। चलो हम लोग इसको रन करा के देख लेते हैं। जैसे ही गाइस हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रन कराया, देखिए हमारा जीरो से लेकर फोर तक प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दे रखी है फाइव। यहाँ पे सपोज करो हम लोग कंडीशन ट्वेल्व दे देते हैं तो हमारा इलेवन तक प्रिंट हो जाएगा। हम लोग इसको रन कराते हैं, इसको रन करा दे, 11 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 11 तक प्रिंट हो गया। यहाँ पर हम लोग कंडीशन चेंज कर लेते हैं, अगर हम लोग 6 से प्रिंट कराते हैं तो देखिए हमारा क्या होता है, देखिए हमारा 6 से 11 तक प्रिंट हो गया। हमने 6 से 11 तक कराना चाहते हैं, सपोज कर लो 50, हम यहाँ से 51 से और 100 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लेंगे 101 हम लोग लेंगे यहाँ से, तो इसको रन कराएंगे 51 से हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिए देखिए हमारा 51 से और 100 तक प्रिंट हो गया। आई होप गाइज आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।